हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निखिल। तो यार आज हम ड्रॉ करेंगे साइकिल मीम का ड्राइंग। तो अभी मैं इसमें जो आउटलाइन ट्यूटोरियल बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना पहले, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको पहले हम इरेज कर लेंगे, जो मतलब लाइन से थोड़ा बहुत उसको सही करेंगे। अभी जैसे कि मैं बोलता हूँ, शेडिंग आउटलाइन में पूरा परफेक्ट ड्रॉ करने का मतलब कोशिश मत कीजिएगा, एकदम एक्यूरेट वो शेडिंग में सही हो जाएगा। तो अभी हम वही करेंगे, इसमें ये वीडियो में समझाऊंगा। तो इसमें एकदम मतलब अच्छे से ड्रॉ नहीं करेंगे हम, एकदम मतलब समझेंगे इसमें। तो अभी देखिए, सबसे पहले लेयर में जैसे मैं बोलता हूँ, एकदम HB पेंसिल यूज़ करना चाहिए बिना प्रेशर ऑफ लगाए हुए। तो अभी मैं यूज़ करूँगा एकदम हल्के हल्के, जैसे देख सकते हो एकदम हल्का हल्का स्ट्रोक चला रहा हूँ। तो धीरे 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 आपको चलाना है। तो अभी देख लीजिए, जैसे कि अभी मैं साथ साथ मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ। तो साथ साथ में मैं देखूंगी अभी आउटलाइन को भी सही करूंगा। अभी देख सकते हो एकदम एक्यूरेट नहीं है, तो मैं धीरे धीरे साथ के साथ में मैं इसको सही करते जाऊंगा। तो अभी देख लीजिए, 4B पेंसिल यूज़ करके मैं धीरे धीरे 2B 4B ये सबको मिक्स करके धीरे धीरे यूज़ करते जा रहा हूँ मैं। तो अभी मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और साथ में मैकेनिकल पेंसिल भी। तो अभी मैं शुरू में आइज को डार्क कर लूँगा, फिर उसके बाद नोज एरिया, चीक एरिया पूरा, पहले फेस पे पहले तो एक लेयर HB का देना है, फिर उसके बाद 2B यूज़ करके देना है, 4B से जो थोड़ा डार्क करके लिया है, आइस हो गया, आईब्रो हो गया, ये सबको डार्क कर लेना है। तो अभी मैं डार्क कर रहा हूँ। और तो यार ये जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ यार, इसका क्वालिटी मुझे थोड़ा भी जमा नहीं है, पता नहीं जान कर गया करके वो शीशा ब्रांड है, ध्यान भी नहीं आया। तो ये पेपर मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार इस पर मतलब बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा डार्क थोड़ा भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ रहा है यार इसमें रिजल्ट लाने के लिए। तो इसमें देख सकते हो मतलब थोड़ा डर्टी सा रिजल्ट आएगा, मतलब इसमें बहुत गंदा सा इफेक्ट आ रहा है, पता नहीं क्यों यार इसमें मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, इसमें आ नहीं पा रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी इसको अच्छा बनाने का, थोड़ा कोशिश करूँगा, लेकिन यार ये पेपर का क्वालिटी मेरे ख्याल से सही नहीं है, तो इस वजह से हो नहीं पाएगा यार। बहुत इफेक्ट पड़ता है पेपर पर, जो बोलते नहीं पड़ता, पेपर पेंसिल बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आपको ड्राइंग का स्किल मतलब नॉलेज है, कहाँ लाइट एरिया है, डार्क एरिया है, तब पड़ता है भाई देवे, अगर नहीं पता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अभी मेरे को यार इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्टी हो रहा है इसको ड्रॉ करने में। अभी देख सकते हो मेरा अभी जो है फेस का मतलब प्रपोर्शन वो मैच नहीं कर रहा है इतना अच्छा। तो अभी मैं इसको धीरे धीरे सही करते हुए चलूँगा, जैसे जैसे सेट्स को दोगे इतना अच्छे अच्छे अपना आप मेरे प्रपोर्शन मैच करते हुए जाएगा। इसमें एक एक चीज़ मतलब ध्यान दे के करना पड़ता है। तो अभी देख सकते हो मैं साथ में हेयर को भी ले रहा हूँ, तो अभी मैं लाइट लाइट पहले एरिया को ऑप्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद डार्क डार्क एरिया को भी ऑप्ट कर रहा हूँ साथ साथ में। पहले एक लाइट ले एरिया से हमको समझना है हेयर का फ्लो कहाँ गया है, फिर उसके बाद हेयर को ड्रॉ करना रहता है। तो हेयर को हमको चंक्स में समझना है, गुच्छों में देखना है, ये नहीं कि एक एक बाल को देखना है। पहले एक लेयर से डार्क करना है, फिर उसके बाद उस पर करना है। और हाईलाइटिंग के लिए तो मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला पहले 6B या फिर 4B पेंसिल से एक लेयर देना है, फिर उसके बाद आपके पास 8B या 10B जो भी पेंसिल है उससे आपको डार्क कर देना है, तो इससे ही आएगा। तो अभी देख सकते हो रिजल्ट इसमें कैसा डर्ट सा थोड़ा आ जा रहा है। तो यार ये पेपर मुझे इसका क्वालिटी इसी में नहीं जमा, बाकी ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी मेरे देखिए प्रपोर्शन धीरे धीरे सही होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप शेड में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे सही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद थोड़ा भी नहीं मैच करता, लेकिन शेडिंग देने के बाद पूरा अपना आ जाता है। तो इसलिए बोलता हूँ शेडिंग देना चाहिए, तो कुछ कुछ ही मतलब प्रपोर्शन शेडिंग के टाइम भी ठीक हो जाता है। तो अभी देख सकते हो तो मेरा ड्रॉइंग ड्रॉ हो गया है। तो यार मैं कोशिश करूँगा इससे भी अच्छा लाने का अगली वीडियो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़, अगर नए हो तो, और कमेंट में बताना कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल। तो यार इससे भी अच्छा ट्यूटोरियल आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।